वेट लॉस रेसिपी 2021 एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम वेजिटेबल ओट्स लेकर आए हैं, वो भी एक खास इंग्रेडिएंट के साथ। तो रेसिपी मेरे साथ बने रहिए और इस खास इंग्रेडिएंट को रेसिपी में कैसे यूज करके इसे और अच्छा बनाते हैं ये देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये पूरी सीरीज हमने निकाली हुई है वेट लॉस की, तो आप इसमें मेरे साथ जरूर बने रहें। यहाँ ले लेते हैं तेल, यहाँ आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं हींग, आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं राई के कुछ दाने, यहाँ मैंने जीरे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब राई के तड़कने तक इसे हम तड़का लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल लेते हैं अदरक, मिर्च और लहसुन। लहसुन आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिर्च का आप विशेष ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च का हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। अभी तीनों चीज़ों को डालकर, अदरक, मिर्च और लहसुन को डालकर इसे अच्छे से एक अच्छी खुशबू आने तक हमें पका लेना है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, ये बिल्कुल बारीक कट कर मैंने प्याज ले लिए हैं। इसमें थोड़े से डाल लिए हैं करी लीव्स, करी लीव्स से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हमें मिल जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा हमें मिलता है। इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। जब तक अपने प्याज अच्छी तरह ना पक जाएं, तब तक इसे पका लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी कटी हुई गाजर, अब इसमें उबले हुए मक्की के दाने डाल लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेश दाने हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो बाज़ार में इजीली मक्की के दाने मिल जाते हैं, उसे बॉईल कर आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्राउट्स ले लिए हैं, इन्हें एक दिन पहले पानी में भिगाकर और उसके बाद जब ये अंकुरित हो गए उस स्टेज पर हमें इसे इस्तेमाल करना है। अंकुरित हमने मूंग और मोठ को लेकर इसे अच्छे से चॉपर में बिल्कुल बारीक कर लेना है, उसके बाद इसे यहाँ इस्तेमाल करना है। मैंने पहले आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया था, वही यहाँ ये स्प्राउट ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसी को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। इसे बिल्कुल चॉप करके अच्छे से ले लेना है। अक्सर लोग वेट लॉस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, उसमें जो हम स्प्राउट लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारा पेट, जब हमने स्प्राउट इसमें डाले हैं तो पेट बिल्कुल भरा हुआ रहता है और हमें बार बार कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अब डालेंगे नमक, थोड़ी सी डालते हैं लाल मिर्च, थोड़ा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अगर आप चाहें यहाँ मिर्च को अवॉइड करना तो आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, एल्स थोड़ी सी मिर्च आप यहाँ यूज़ कर लें। अब इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। अगर आपको फ्रेश मक्की के दाने मिलते हैं तो आप उसका भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मक्की के दानों को आप लेकर थोड़ी देर इसे उबाल लें और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दें और उसके बाद पानी को निकाल कर आप यहाँ मक्की के दानों को इस्तेमाल कर लें। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर हम छोड़ देते हैं। थोड़ी देर कवर कर देंगे ताकि जो हमने यहाँ सब्जियाँ डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे हम ढककर छोड़ देते हैं। अब इसे चेक करते हैं, जो हमने सारी चीज़ें डाली हुई थी वो अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी हैं अपनी सब्जियाँ। अब यहाँ ले लेते हैं ओट्स, ये नॉर्मली जो ओट्स बाज़ार में मिलते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने ओट्स इस्तेमाल किए हैं वो मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाला हुआ है, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। ओट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और जितनी हमने वेजिटेबल्स डाली थी उनके साथ। वेजिटेबल आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें और भी अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं पानी, यहाँ पहले मैं 2 कप ही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा सूखा ओट्स नहीं रखना है, 1:4 का रेशियो रखेंगे हम यहाँ पर। पानी को डालकर हम इसे अच्छे से चला लेते हैं ताकि जो हमने पानी डाला था उसमें एक उबाली आ जाए। उबाली आने के बाद हम इसे अगेन ढककर एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ओट्स को बहुत ही सूखा सूखा हमें नहीं बनाना क्योंकि हम वेट लॉस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही हम रखने वाले हैं आज। अब पानी को ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से चलाकर हम ढक देने वाले हैं ताकि जो हमने यहाँ पर ओट्स का इस्तेमाल किया था वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए। लीड को लगाकर हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। फुल फ्लेम हम यहाँ इसमें नहीं रखेंगे, मीडियम या लो ही फ्लेम आप यहाँ रखें और उस स्टेज पर इन ओट्स को पकने के लिए छोड़ दें। ये देखिए पूरी तरह से अपने ओट्स पक चुके हैं।
इसे एक बार हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ डाल लेते हैं नींबू। अगर आप नींबू नहीं खाते हैं तो आप यहाँ टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्टेज में हमने प्याज डाला था उस स्टेज में आप वहाँ पर टमाटर डाल सकते हैं, एल्स आप नींबू भी डाल सकते हैं। अपने ओट्स पूरी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं, अब इसे सर्विंग प्लेट में या सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। ये देखिए देखने में ही कितने शानदार लग रहे हैं और वेट लॉस में ये बहुत ही फायदेमंद है अपने लिए। अगर आप इवनिंग में इसे ले रहे हैं, मॉर्निंग में इसे ले रहे हैं तो ये एक कम्प्लीट फूड है अपने लिए। अब यहाँ इसे गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए के साथ। ये देखिए पूरी तरह से अपना ओट्स बनकर तैयार है। इस ओट्स को बनाएं और इंजॉय करें और वेट लॉस रेसिपी में मेरे साथ बने रहें और नई नई रेसिपी को आप देखते रहें। अब इसे चेक कर लेते हैं हम। देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये बनकर तैयार हो चुका है ओट्स अपना। अब इस ओट्स को बनाएं और इंजॉय करें और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी या आप और किस तरीके का ओट्स पसंद करते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप और भी नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके आप और भी नई रेसिपीज़ को देख सकते हैं।